हेलो गाइस, मेरा नाम है रायन। आज की वीडियो में मैं एक रियल कार खरीदने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को पता होगा गाइस, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता है एक कार खरीदना। आप लोगों की बहुत सारे सपोर्ट और मेरी थोड़ी सी मेहनत के साथ आज मैं मेरा ड्रीम पूरा करने वाला हूँ गाइस। आज एक रियल कार मैं खरीदने वाला हूँ। मैंने सोचा कि आपको भी लेके चलता हूँ। चलो गाइस, चलते हैं कार खरीदने के लिए डायरेक्ट शोरूम को। तो गाइस, मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं शोरूम पर। ये देखो यार, मेरा स्कूटर है ओला का। बहुत दिनों से मैं ये स्कूटर ही चला रहा था। तो ये है मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम, इसी के अंदर खड़ी है हमारी कार। चलो गाइस, चलते हैं अंदर, कार को देखते हैं अंदर से। शायद मेरे को मैनेजर ने देख लिया है यार, ये मेरा वेलकम करने के लिए यहाँ तक आ चुके हैं। तो यार, इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की कार खरीदने के लिए। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो हमारी कार को इन लोगों ने ऊपर से कर्टन डाल के रखा है। लगता है बहुत बड़ा सरप्राइज है आज। अभी मैं और मेरा भाई इस कर्टेन को हटाकर कार को अनवील करने वाले हैं। ये देखो यार, कर्टेन हम लोग हटा रहे हैं इसके ऊपर से। हम लोगों ने खरीदी है गाइस मारुति सुजुकी इग्निस। क्या ही चमचमा रही है भाई साहब अपनी कार, बिल्कुल एक लाल टमाटर दिख रही है। तो अभी मैं इसका डोर ओपन करके अंदर का कैबिन आपको दिखाता हूँ। ये देखो यार, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस कार है अपनी। फिर मैंने यहाँ पर केक भी कट किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत सारे मेरे भाई लोग और बहुत सारे मेरे टीम मेंबर्स भी आए थे यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए। सभी को मैंने केक वगैरह भी खिलाया, देख सकते हो यार, ये लोग भी कितने ज्यादा खुश लग रहे थे। उसके बाद ये भाई साहब ने मेरे को बैग पकड़ा दिया, शायद इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। फिर इन लोगों ने मेरे को इतनी बड़ी कार की चाबी भी दी थी यार। उसके बाद शोरूम के मैनेजर ने मेरे को सारी चीजें समझाई है, कार के फीचर्स के बारे में समझाया, और यार कार के पीछे कैमरा भी लगा था। फिर मैं कार के अंदर बैठ चुका हूं। अभी चलते हैं गाइस कार को लेकर बाहर। देखो यार, यहां पर मैं थोड़ा धीरे-धीरे से चला रहा हूं। तो कार अपनी आ चुकी है फाइनली बाहर। यहाँ पर मैंने थोड़े नींबू वगैरह लगाए, एक नारियल भी फोड़ा यार कार के सामने। फिर हम लोग निकल पड़े हैं कार चलाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यार, कार अपनी क्या ही धांसू दिखाई दे रही है भाई साहब रोड पर। यार इसके अंदर तो अलॉय व्हील्स भी लगे हैं। कार सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। कार छोटी है पर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दिखाई देती है जब ये रोड पर चलती है। तो अभी लग रही थी हम लोगों को बहुत ही जोरों की भूख। तो हम लोग आ चुके हैं ट्रेन रेस्टोरेंट के अंदर। ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा रेस्टोरेंट है गाइस। यहाँ पर अभी एक ट्रेन आएगी हमारा फूड लेकर। जैसे कि देख सकते हो ट्रेन आ चुकी है, इसके पीछे यहाँ पर हमारा फूड है। हम लोगों ने बिरयानी और नूडल्स ऑर्डर किए थे, अभी जमकर खाएंगे गाइस, उसके बाद वापस घर को जाएंगे। तो भाई वापस से ट्रेन भी देखो इस तरह से चली जाती है। खाना खाने के बाद हम लोग आ चुके हैं हमारे घर के पास। यहीं पर ही हम लोग ज्यादातर शूटिंग वगैरह किया करते हैं। फिर एक बार मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ गाइस, मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। तो चलो अभी मैं ये कार आपको एकदम करीब से बताता हूँ। यार इसके अंदर तो फॉग लैंप्स वगैरह भी लगे हुए, इस तरह की की मिल जाती है ये कार के साथ, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक की है। देख सकते हो यहाँ पे दो बटन है कार लॉक और अनलॉक करने के लिए। यार ये कार के डोर के ऊपर देखो कितने सारे बटन दे रखे हैं। तो अभी मैं आपको अंदर से भी बताता हूँ, यहाँ पर इसकी MID है। यार इसके अंदर तो टच स्क्रीन भी लगा हुआ है, 7-8 इंच का टच स्क्रीन होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। स्टीयरिंग के ऊपर देखो गाइस कितने सारे बटन्स भी लगा रखे हैं इन लोगों ने। आज बड़ा मजा आने वाला है गाइस ये कार को चलाने पर। मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूं। यार पीछे की तरफ भी बड़ी आराम से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, ये कार को यूज करके हम लोग हमारी RC कार के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने तो सोचा था कि यार ये कार के साथ मेरे RC कार्स की मैं रेस वगैरह लगाऊंगा। आपको पता होगा गाइस मेरे पास कितने ज्यादा पावरफुल RC कार्स हैं। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है तैयब, कृष्णा, सीमा दास, विनायक, मायूक, उत्कर्ष, हिमाद्री, अल्फाज, सुमित, अनुज। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। तो फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। बाय दोस्तों।